हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 यानी कक्षा 4वीं के मासिक आकलन टेस्ट 2022-23 का हल। मासिक अगस्त पेपर का है यहाँ पर, कक्षा 4वीं के विषय हिंदी के सभी पेपरों का यहाँ पर हल दिया गया है आपके कक्षा 4 के। तो आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे हम इस वीडियो में, साथ ही साथ PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पर इसका लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक आपका 25 नंबर का रहेगा और यहाँ पर जो आपको समय अवधि दी गई है 20 मिनट की। खंड आपका यहाँ पर 20 नंबर का है, खंड व आपका यहाँ पर 5 नंबर का आपको दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया खंड आ में। तो खंड आ का पहला क्वेश्चन आपका है सोलर कुकर से, यानी सोलर कुकर के आपके क्या कार्य हैं। ऑप्शन दिया गया है, इनमें भोजन पकाया जाता है, इससे पंखा चलाया जाता है, इससे सफाई की जाती है, इसमें कपड़े धोए जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें भोजन पकाया जाता है। कुकर में क्या किया जाता है, भोजन पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, यहाँ पर दिया है प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है, कोशिश, परेशानी, क्रोध, इच्छा। तो हमारा पता है हमें कोशिश करना ही प्रयत्न करना होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, पवन चक्की बनाई जाती है जो की ऊर्जा से चलती है, सूर्य, हवा, पानी, कोयला। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हवा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है, उसी तरह ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ नीचे दिए गए में से क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बेहद खुश होना, घर द्वार पर होना, कहीं ना जाने रहना, यहाँ पर कहीं ना रहना या बेघर होना। तो यहाँ पर रह रहा है ठिकाना ना रहना का मतलब होता है कहीं का ना रहना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा यही वाला, ऑप्शन नंबर 7। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम पाँचवा। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपका क्या दिया गया है देख लीजिए इसको, इसमें दिया है घरौंदा किसे कहा जाता है। तो घरौंदा किसे कहा जाता है यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया गया है आपका आंसर, यहाँ पर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। घरौंदा का अर्थ है छोटा घर, कागज़ मिट्टी का छोटा घर घरौंदा है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही छोटी से घर को क्या कहते हैं, घरौंदा कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा दिया गया यहाँ पर, इन शब्दों को सुधार कर लिखना है। तो पहला लिखना है हमें प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर लिखना है बिजलियाँ, तो बिजलियाँ इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे सातवां, तो सातवां हमारा दिया गया यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों को युग्म के अर्थ में लिखना है, यानी अर्थ देना है। तो यहाँ पर लिखा है सुबह शाम, इसका मतलब होता है सुबह और शाम। यहाँ लिखा है खेल खिड़की, तो खेल और खिलाड़ी, खेल लिखा है खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, तो इसका हो जाएगा खेल और खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर आठवां देख लेते हैं क्या दिया है हमारा, तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर आठवां, जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तब तुम्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है ये। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले आठवां देख लेते हैं फिर उसके बाद नौवां देखेंगे। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर, जब हमारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो निम्न परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, गर्मी के दिनों में पंखा कूलर बंद हो जाने से गर्मी लगने लगती है, पढ़ाई के दिनों में बिजली बंद हो जाने से पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिजली चले जाने से मनोरंजन भी बंद हो जाता है यानी नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा आठ का आंसर हो गया। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नौवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द मुहावरों के अर्थ जानकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके, पहला है आपका खुशहाली, खुशहाली का होता है यहाँ पर, खुशहाली को बोलते हैं यहाँ पर लिखेंगे छत्तीसगढ़ में खुशहाली का आधार बिजली है। दूसरा है आग बबूला होना, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। अमित की माँ तो आग बबूला होकर उसे डांटने लगी। इसके बाद पर्याप्त का मतलब होता है अतिरिक्त, पर्याप्त, पर्याप्त मतलब होता है पूरी, यानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से ये आंसर लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दीर्घोत्तरीय, तो ये रहा हमारा दीर्घोत्तरीय दसवां क्वेश्चन, इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर दिया गया है नीचे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर किसका है, ये आपको यहाँ पर
अथवा वाले का हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर लास्ट प्रोजेक्ट कार्य बचा हुआ है इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर तो क्या दिया है प्रोजेक्ट कार्य का हमारा खंड बा का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया यहाँ पर चिड़ियाघर के बारे में, यहाँ पर कहा आपसे खोजता, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका हम आंसर देखने वाले यहाँ पर उद्योग के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया गया आपका, इसका भी आंसर देख लीजिए। कक्षा चार के हमने यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट कार्य का कराया गया है, मतलब यहाँ पर जो टेस्ट परीक्षा आपकी चल रही हैं सभी पेपरों के यहाँ पर हल दिए गए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इन वीडियो पर क्लिक करके जो भी आपके बचे हुए हैं उनका प्रोजेक्ट का हल देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।